तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे। मॉर्निंग गाइस, मैं इस टाइम भदोरा में हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ न्यू बस स्टैंड में, क्योंकि वहाँ पे एक एंटी ड्रग रैली ऑर्गेनाइज की हुई है भदोरा के यूथ ने स्पेशली, क्योंकि आजकल ड्रग्स का बहुत ज़्यादा ये सीन चल रहा है, तो थोड़े अवेयरनेस के लिए एक रैली ऑर्गेनाइज की हुई है, तो हम भी उसका पार्ट बनेंगे। तो ये रैली में भी न्यू बस स्टैंड से जाएगी मेन मार्केट के थ्रू, सब कुछ वहाँ पर स्पीच वगैरह होगा, तो एक अच्छा इनिशिएटिव है ये। तो मैं आपको सीधा बाइक दूँगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम भदरवा। तो अभी अर्ली अर्ली मॉर्निंग है और इतनी जल्दी मैं भदरवा के उठ गया, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं जा रहा हूँ न्यू बस स्टैंड, क्योंकि यहाँ पे एंटी ड्रग ड्राइव ऑर्गेनाइज की हुई है। मैं तो लगा के आया हाँ, ठीक ठाक। तो यार ये हमारी एंटी ड्रग रैली स्टार्ट हो चुकी है, कुछ बैनर्स लगाए हुए हैं। आगे जा रहे हैं ना, मेरी बात सुनो, उसके पीछे सारे आओ, ये जो तीन है इनके पीछे आओ, बस तीन के लिए निकलो, हमारी तीन तीन बंदे पीछे चलना, ठीक है? चलो आप वीडियो बना रहे हो, अपने ऑन है हां, वीडियो बना रहे हो क्या? कोई जगह यार ये कुछ हो रहा है, स्लोगन्स लग रहे हैं गो पेडलर्स गो बैक के, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है आजकल यूथ बहुत ज़्यादा ड्रग्स में इन्वॉल्व हो चुका है। सो ये एक इनिशिएटिव है भदरवा के यूथ ने लिया हुआ है, तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग यार। भदरवा एक हेवन है और ये हेवन ही रहनी चाहिए। तो हमारे साथ बहुत बाइक्स जुड़ चुकी हैं, बहुत बंदे जुड़ चुके हैं, अच्छा इनिशिएटिव है भदरवा से ये सब चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत 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 बुरी चीज़ें हैं। कॉलेज रोड के थ्रू जा रही है, जामिया मस्जिद के थ्रू फिर जाएगी मेन बाज़ार में, वहाँ गो पेडलर्स गो बैक के स्लोगन्स लग रहे हैं। एक अच्छा इनिशिएटिव है भदरवा के लिए, एंटी ड्रग रैली ऐसी रैलीज होनी चाहिए, ऐसे अवेयरनेस के लिए भी करना चाहिए यूथ्स को डोर टू डोर जाके कि ड्रग्स के क्या नुकसान है, फैमिलीज तबाह हो जाती हैं ड्रग्स से, सो इट्स बेटर नॉट टू टेक ड्रग्स। अच्छा लग रहा है सारा यूथ भदरवा का जमा हुआ है एक चीज़ के लिए। तो ये हमने मार्केट में एंटर कर लिया है, ड्रग्स फ्री भदरवा, और ऐसी रैलीज और होनी चाहिए यहाँ पे भदरवा में। रैलीज क्या, कैंप्स बैठनी चाहिए, अवेयरनेस कैंप्स बैठनी चाहिए, जहाँ पे आपको कि ड्रग्स कितने हार्मफुल हैं, ड्रग्स स्मोकिंग अल्कोहल एवरीथिंग। तो अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे, सारा अच्छा लग रहा है, सारा यूथ सामने आया हुआ है, वेरी गुड। ये हमारी जामिया मस्जिद है, तो हर जगह पे हर एक चौक पे रुक रुक के स्लोगन्स लग रहे हैं। सो दिस इज आवर मेन बाजार, ये हमारा मेन बाजार है। तुम्हारी पारी आई, यूथ आई, गो पेडलर्स, गो पेडलर्स,
लोग इतने बेगैरत हो चुके हैं, बेशर्मी बेशर्मी इतनी हद बढ़ चुकी है कि वो अपनी आंखों देखे गलत को बर्दाश्त कर रहे हैं। कहां मर गए भद्रवाह के लोग? ये व्हाइट कॉलर वाले लोग, मैं इनको चेतावनी देता हूँ कि भद्रवाह में जो स्मगलिंग कर रहा, के माँ बाप हमारे साथ जुड़े हैं या मुझे देख रहे हैं या कहीं से भी मुझे सुन पा रहे हैं, वो अपने बच्चों का, नौजवान बच्चों का ख्याल खुद रखे। अपने बच्चों का ख्याल सिर्फ माँ बाप रख सकता है, घर का कोई नहीं रख सकता। हमारा ट्यूशन जा रहा है, बच्चे को आप बाइक दे रहे हो, बच्चे को आपने गाड़ी दिया लेके, लेकिन वो उस चीज़ का नाजायज फायदा उठा रहा है। बिल्कुल सही बातें बोल रहे हैं। मेरी दुश्मनी किसी के साथ नहीं है, मेरी दुश्मनी सिर्फ ड्रग्स बेचने वालों के साथ है, क्योंकि ये जिंदगी मैंने खुद जी हुई है। मुझे पता है इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं इंसान की लाइफ पर। इससे इंसान खत्म हो जाता है, इंसान का हर सोशल नेटवर्क, हर सोशली इंसान डैमेज हो जाता है। इसलिए मैं जितना भी यूथ हमारे साथ है, मैं उनको कहता हूँ, अपील करता हूँ कि वो हमारे साथ जुड़े। सबसे पहली जिम्मेदारी माँ बाप, इसको पैरा करो। और दूसरी बात, जब इन जवानों ने इस मुहिम को स्टार्ट किया, जब ऐसे जवान नालियों में पड़े हैं, बाजारों में पड़े हैं शराब पीकर या और किसी नशा में मुब्तला है। मेरे मैंने रात को भी अपना नंबर बोला था, अभी भी मेरा नंबर बोला 8493901279। इस नंबर से मेरे को कॉल करें, हम उनको अपने खर्चे पे फ्री में इलाज करेंगे, उनको बिल्कुल प्रॉपर।